नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी टीवी 20 न्यूज के प्रिय दर्शकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की व और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ में मंडलायुक्त मनीष चौहान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर रविवार को अपने कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा सामूहिक राष्ट्रगान किया। ध्वजारोहण के उपरांत कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त चौहान ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा जीवन काल संघर्षों से भरा है। उन्होंने अहिंसा के उसूल पर अड़िग रहकर देश को एक ऐसे साम्राज्य से आजादी दिलाई जिस साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। मंडलायुक्त ने कहा कि इस प्रकार उन्होंने अहिंसा का एक ऐसा संदेश दिया कि विश्व शांति के लिए सभी देश गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों एवं उनके सद विचारों को अपनाने और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए सभी विवश हैं। सभी इसी क्रम में उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के साथ गए और उनके दृढ़ संकल्पों की चर्चा करते हुए कहा, आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें देश की उन दो महान विभूतियों की जयंती मनाने का शुभ अवसर प्राप्त है जो समान रूप से सादा जीवन जीते थे परंतु उनके विचार हमेशा ऊंचे रहे हैं।